ये दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे फोटो एडिटर कॉलेज मेकर एप्लीकेशन के बारे में। ये एप्लीकेशन है क्या और इसे यूज़ करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों एक तरह का कॉलेज मेकर है और कॉलेज मेकर जो एप्लीकेशन होते हैं वो एक इमेज पे कई सारे इमेज को तर ऊपर यानी एक के ऊपर एक सेट कर दिया जाता है। तो ये है कॉलेज मेकर यानी कॉलेज मेकर एप्लीकेशन कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो यही वो एप्लीकेशन है। अभी तक इसको 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया। और देखिए कॉलेज मेकर इस टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ पर एक ही फ्रेम में कई सारे फ़ोटो को ऐड कर दिया गया ना, ठीक है ना। तो यही है कॉलेज मेकर। तो चलिए जानते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ओपन करते हैं इस एप्लीकेशन को। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो करेगा। यहाँ पर देखेंगे तो बहुत कुछ ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ से आपको कॉलेज मेकर का ऑप्शन देता है यानी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गैलरी से आपको पूरा फोटो ओपन हो जाएगा और एक फ्रेम में कई सारे फ़ोटो को आपको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जितने भी फ़ोटो आपको रखने हो इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और एक साथ एक फ्रेम में कई सारे फ़ोटो को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेम आपको यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं डिवाइड वाइड जिस हिसाब से चाहिए। और फोटो जो है आप बस इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं। अगर आपको सही से फोटो सेट नहीं हुआ है तो इस तरह से मूव भी कर करके सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सब कुछ डन होने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे ऑप्शन शो करेंगे, ठीक है ना। अगर आप बॉर्डर डालना चाहें तो आप बॉर्डर भी डाल सकते हैं इस तरह से। बॉर्डर आप कम बेसिक कर सकते हैं इस तरह से, ओके। यहाँ से देख सकते हैं कुछ ऐसे ऐसे सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर रेशियो आपको मिल जाएगा, किस रेशियो में रखना चाहते हैं। सब कुछ डन होने के बाद, सब कुछ सेट करने के बाद आपको बस सही वाले निशान पे क्लिक कर देना है और सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये जो कॉलेज फ्रेम आप यूज़ किए हैं वो आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें इसमें और क्या मिलता है तो आइए देखते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ से बैक होते तो आपको यहाँ एडिटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से अगर आपको कोई फ़ोटो एडिट करना है तो यहाँ से पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा यहाँ पर आपको फ्री स्टाइल मिलता है यानी आप एक दो फोटो को अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। आपको जहाँ मूव करना है, जिस तरह मूव करके रखना है उस तरह सेटअप कर सकते हैं। बस सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सेव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है फ्री स्टाइल। इसी तरह अगर आप बैक होते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है मल्टीपल फिट मिल जाता है। ये सब अलग अलग टेम्पलेट है। यहाँ पर आपको देता है कि बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं इसकी मदद से और यहाँ पर ब्लेंडर कर सकते हैं यानी दो फोटो को एक साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक ये फ़ोटो है और एक ये फ़ोटो है तो दोनों को ब्लेंड किया गया, एक साथ मर्ज किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाता है अलग अलग तरीके की। ये भी फ्रेम है, आप इसमें ट्राई करना चाहें ट्राई कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, बस यही सब दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपने 10 फोटो को या 20 फोटो को एक ही फ्रेम में सेटअप कर सकते हैं और बहुत ही कमाल का लगेगा,